जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। वीडियो के बारे में कुछ सुन लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है मई 2019 एग्जाम्स के लिए। आपके एक ग्रुप के एग्जाम है, आपके बोध ग्रुप के एग्जाम है, आपने अभी सर एक ग्रुप दिया है, बोध ग्रुप दिए हैं नवंबर 18 मई 19 में, क्या करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। राइट, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होगा उसके अंदर एक टाइम स्टैम्प लगाऊंगा, टाइम स्टैम्प जहां पे मैं आपको अलग अलग लिंक दे दूंगा, आप कौन से तरह के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या देखना चाहिए। राइट, तो आप डायरेक्टली सर कमेंट बॉक्स में देखें आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और वहां से सिलेक्ट कर लीजिए अपना टाइम और शुरू हो जाइए। राइट गाइज, चलिए तो अब सर इस वीडियो को ले चलते हैं काफ़ी डिटेल में और करेंगे आपसे काफ़ी सारी बातचीत। तो सबसे पहली चीज़ सर, हम लोग क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सर फ्रेश बच्चे, तो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है कि फ्रेश स्टूडेंट जिन्होंने मई 2019 में एग्ज़ाम देने हैं, और फिर बोलता हूँ आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में देखिए आपको ज़रूर लिंक मिलेगा, जिन्होंने मई 2019 में एग्ज़ाम देने हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन के, उन बच्चों से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। लीजिए सर, तो आप लोगों ने क्या करना है भाइयों, बहुत सिंपल है। अगर आपके मई 2019 में सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वन के एग्ज़ाम्स हैं तो आप लोगों ने सर पूरी कोशिश करनी है कि आपके अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट में 70+ आएँ, लॉ जैसे सब्जेक्ट में सर हम लोग 60+ रखें, टैक्स जैसे सब्जेक्ट में सर हम लोग 60-70 के आसपास इसके बीच में मिनिमम रखने की कोशिश करें, और कॉस्ट जैसे सब्जेक्ट में अगर आप न्यू कोर्स में हैं तो सर वो भी 70+ एग्ज़ाम्स आएँ, 70+ मार्क्स आए। राइट, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर, क्योंकि आप सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हैं और अभी आपके पास काफ़ी सारा समय बचा हुआ है पढ़ाई करने का, रिवीजन करने का और अच्छे नंबर स्कोर करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नंबर स्कोर करेंगे और जो मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उसे फॉलो करेंगे। मान लेते हैं सर आप में से जितने भी बच्चे हैं सबका जो है कोचिंग, ग्रुप वन की कोचिंग जो है एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट की कोचिंग आपकी निपट जानी चाहिए। कब तक सर, दिसंबर या फिर मिड जनवरी तक, इससे ज़्यादा लेट नहीं जाने का है। जिसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कौन कौन सब्जेक्ट की कोचिंग कंप्लीट कर ली होगी, अकाउंट्स की, कॉस्ट की और साथ साथ आपने टैक्स की कोचिंग जो है कंप्लीट कर ली होगी मैक्सिमम मिड जनवरी तक। राइट, अगर इसमें से आपकी कोई भी कोचिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब ध्यान से सुनते जाइएगा सारी बातें गाइस, ग्रुप वन में तो बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो। अब सर अगर आपके अकाउंट्स की कोचिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मान लेते हैं सर आपने अकाउंट्स की कोचिंग कंप्लीट कर ली, कॉस्टिंग कोचिंग कंप्लीट कर ली, और मान लेते हैं टैक्स की कोचिंग अभी आपकी चल रही है और वो आने वाले 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। राइट, ऐसा एक सिचुएशन बना लेते हैं। अगर इसके बाद भाई आपकी कोचिंग जा रही है तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो, आपको थोड़ा स्पीड पकड़ के अपनी क्लासेस जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। राइट, अब सर यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग अकाउंट्स के साथ अब क्या करें। मान लेते हैं अकाउंट्स में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, कुछ भी मुझे नहीं पता कौन सा चैप्टर है, बस चैप्टर नंबर 1 है सर एक, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आपके सर ने क्वेश्चन कराए सर 20 क्वेश्चंस के आसपास, चलो इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि सर अकाउंट्स में जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चंस के आसपास सर कराए आपके सर ने। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले तो ये मन ही मन डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं ग्रुप 1 दे रहा हूँ और ग्रुप वन में मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स, अकाउंट्स मैंने लेके आने 70+ मार्क्स। जब 70+ मार्क्स का सोचते हैं तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब सर आप अगर कोई कोचिंग जा रहे हैं इस समय, ओके इट्स टोटली ओके, आप जाइए, लेकिन सर अब अपने मन में बिठा लीजिए कि मैं दिन में जितना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा ओवर एंड अबव कोचिंग सर, वो मैं किसको देने वाला हूँ, ग्रुप वन के अकाउंट्स को देने वाला हूँ। जब मेरे पास वीकेंड्स आएंगे जब मेरे पास, वो मैं टाइम किसको देने वाला हूँ सर, ग्रुप वन के अकाउंट्स को देने वाला हूँ। दिन की एवरेज सर मेरी कम से कम निकलनी चाहिए 25 से 40 क्वेश्चन के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चंस कितने बड़े हैं। हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चंस कितने बड़े हैं। अगर आप बिल्कुल फ्री बैठे हैं तो बिलीव मी सर आपको 10 डेज मैक्सिमम लगाने चाहिए, बिल्कुल फ्री अगर आप बैठे हैं, कोई कोचिंग नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, 10 डेज आप मैक्सिमम लगाइए सर और अपना अकाउंट्स जो है वो खत्म कर लीजिए, प्लीज़ 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 खत्म कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक एएस, जो भी सर आपको लगता है कि सर आपके अकाउंट्स के सिलेबस के लिए रेलेवेंट है उसे कंप्लीट कर लीजिए, और साथ ही साथ में अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर जो है वो ज़रूर 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 बनाना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, कौन सा रजिस्टर, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, कॉन्सेप्ट रजिस्टर कैसे बनाना है, क्या करना है सर, उसके लिए मैं आपको आई बटन में, मोस्ट प्रोबेबली इस साइड
इस साइड होने वाला है। आई बटन में मैं आपको सर एक लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक देखिए और डिसाइड कीजिए कि सर वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना है या नहीं बनाना है। बट कॉन्सेप्ट रजिस्टर अपना बनाना जो है वो शुरू कर दीजिए और 10 दिन के अंदर आप सर अकाउंट्स के किंग बन के निकलिए, 100 नंबर की प्रिपरेशन करके निकलिए बाहर। लीजिए सर आपका पहला सब्जेक्ट तैयार। अब आप कहेंगे सर हमारी कोचिंग चल रही है, हम बिल्कुल फ्री नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर ये 10 दिन 20 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे, बस हाफ हाफ डे आपको अकाउंट्स को देना है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ अकाउंट्स आपने कंप्लीट कर लिया, कॉस्टिंग की आपकी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी, कोई एक कोचिंग आपकी चल रही होगी इस समय, राइट। अगर पेन ड्राइव या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो सर उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बहुत बच रहा होगा आप लोगों के पास। तो आपने पहला टारगेट तो ये रखना है कि सर मैंने अकाउंट्स खत्म करना है 100 नंबर का। 100 नंबर का अकाउंट्स कैसे खत्म करना है भाई, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड करो, उसे 10 से डिवाइड करो, इस 10 दिन के अंदर मैं खत्म करूंगा, बिल्कुल फ्री हूँ। अपने नंबर ऑफ आवर्स आप निकाल लो, ऑन एन एवरेज आप एक एक क्वेश्चन का एक एवरेज टाइम निकाल लो कि एक क्वेश्चन करने में मुझे एवरेज टाइम कितना लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपको 30 मिनट्स लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल बड़ा क्वेश्चन है सर, मैं ज़्यादा अपर साइड पर लेके जा रहा हूँ, 30 मिनट्स लग रहे हैं आपको ऑन एन एवरेज, कोई छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है 45 मिनट्स का, मैं 30 मिनट्स लेके चल रहा हूँ। और आप दिन में सर कह रहे हो मैं 8 घंटे दे पाऊंगा, 8 घंटे भाई मिनिमम आपके 16 क्वेश्चन तो आधे घंटे वाले हो रहे हैं ना, 5 घंटे दे पाऊंगा तो सर 5 घंटे में आपके मिनिमम क्वेश्चन तो सर 10 हो रहे हैं ना। तो इसी हिसाब से आप देख लो भाई टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल सर आपके टीचर साहब ने आपको जो है 200 क्वेश्चन कराए हैं, अब आप 5 घंटे डेली दे रहे हो, 10 क्वेश्चन आप सर कर पा रहे हो सर, वीकेंड पे तो ज़्यादा भी हो जाएंगे, मैं 10 की एवरेज लेके चल रहा हूँ। तो भाई 200 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया, 20 दिन में सर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। आप 8 घंटे डेली दे रहे हो और सर 16 क्वेश्चन कर रहे हो, 16 20 का एवरेज ले लेते हैं तो सर वो आपका 10 दिन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये गाइज आपको एक स्ट्रैटेजी जो है बनानी पड़ेगी, सबसे पहले अपने अकाउंट्स को पैक करके फेंक दो, बिल्कुल बिल्कुल फेंक दो सर। ऐसा होना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं, साथ मेरा कॉन्सेप्ट रजिस्टर भी बन रहा है और सर मैं क्वेश्चंस मार्क भी करता चल रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से क्या कॉन्सेप्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉन्सेप्ट रजिस्टर वाली वीडियो ज़रूर 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 देखिएगा। लीजिए सर आपने सबसे पहला सब्जेक्ट खत्म कर दिया अकाउंट्स, ग्रेट। अब आप सेकेंड सब्जेक्ट कौन सा उठाएंगे, कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला था इन दोनों सब्जेक्ट में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सर हम लोग 70+ मार्क्स जो है स्कोर करें। सेम फंडा कॉस्टिंग के लिए, सेम फंडा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है मैं समझता हूँ, लेकिन सर क्वेश्चंस छोटे भी हैं ये भी मैं समझता हूँ, राइट। तो आप 20 दिन की जगह 25 दिन अगर हाफ हाफ डे दे रहे हैं, अगर फुल फुल डे दे रहे हैं तो सर 10 दिन की जगह 12, 13, 14 दिन के अंदर अपना पूरा कॉस्टिंग जो है ख़त्म कर दीजिए, राइट। अननेसेसरी एक्सेस क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका सर एक ही टारगेट होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट मार्क कराया है वो, प्लस सर ICAI के स्टडी मैट में है, ICAI की किसी RTP में है, ICAI के सर किसी MTP में है, मॉक टेस्ट पेपर में है, या फिर सर ICAI के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में यानी कि सजेस्टेड आंसर्स में, ये अपनी कवरेज होनी चाहिए। इसके अलावा आग लगा दो भाई सारे क्वेश्चंस में, हमें नहीं करने, ये हमारा बेंचमार्क है भाई, इसको हम करेंगे और इसको सर हम 5 बार रिवाइज करेंगे। अभी तो पहली रिवीजन की, पहली प्रिपरेशन की बात चल रही है, लेकिन हाँ इसको हम 5 बार रिवाइज कर सकते हैं, राइट। तो अपनी तैयारी ऐसी हो कि भाई कहीं भी दिक्कत ना हो और सर ऐसा ना हो कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं, तो एक्सेस क्वेश्चंस को प्लीज़ हटाइए। सेम पैटर्न मैंने आपको कॉस्टिंग के लिए बताया कि आपने कॉस्टिंग के लिए क्या करना है, ठीक है। अब आते सर थर्ड सब्जेक्ट, टैक्स। टैक्स सर मेरा सब्जेक्ट है तो भाई मेरा कुछ ज़्यादा दारोमदार बनता है। टैक्स की दिक्कत पता है क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टैक्स से ना सबको प्यार हो जाता है, क्यों प्यार हो जाता है यार, कुछ चीज़ें टीचर्स पर भी डिपेंड करती है कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं। अब कई टीचर सर चुपचाप बैठ के पढ़ाए जाते हैं, कुछ कुछ टीचर सर पूरी हवाबाजी करके पढ़ाते हैं, तो आपको ना जो टीचर्स थोड़ी सी हवाबाजी करते, थोड़ा सा मजाक करते, थोड़ी सी मस्ती करते, थोड़ा सा मोटिवेट करते, आपको उन टीचर्स के सब्जेक्ट से जनरली प्यार हो जाता है। मेरे टीचर भी थे सर, अजय जैन सर पढ़ाते थे हमें टैक्स, तो मुझे भी सर टैक्स से इसलिए प्यार हो गया था कि भाई जैन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ द पॉइंट इज कि इस ये प्यार ना सर बहुत दिक्कत वाला है, कभी कभी बच्चे को जिस सब्जेक्ट से प्यार होता है वो उसी में लगे रहते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि आप टैक्स में से सपने पालो 90 के 100 के, ऐसे सपने पालने अच्छी बात नहीं है। आप 80 70 60 इस रेंज में रहिए, 60 से 80 के बीच में मार्क्स लाइए, मैं खुश हूँ भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि बच्चा पूरा अपना CA इंटर का ग्रुप 1 जो है वो निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, राइट। आई होप आप समझ रहे मेरी फीलिंग्स को। मैं ये नहीं चाहता कि सर आप टैक्स में तो बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं लेकिन सर किसी और सब्जेक्ट में जो है आप सफर कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा आप सुनिए, सो टैक्स में सर हमने क्या करना है, आपने कोशिश करिए, मेरी अब ये टारगेट, मैं आपको एक और आइडिया भी दे रहा हूँ, ये दोनों सब्जेक्ट आप कोशिश करेंगे, अगर सर घर पे आप खाली बैठे हैं या फिर सर अभी बहुत जल्दी खाली होने वाले हैं, तो जनवरी ये आपका टारगेट होना चाहिए सर, जनवरी का विद कोचिंग्स। अगर आपकी कोचिंग्स भी चल रही हैं
और एक आध कोई कोचिंग चल रही है, आप कभी कभी फ्री हो जाते हो, कोचिंग मिड जनवरी में ख़त्म होने वाली है, तो 31 जनवरी तक गाइज प्लीज़ 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 ये आप ख़त्म कर दीजिए। 1 फरवरी से आप टैक्स शुरू करेंगे, सेम प्लानिंग मैंने अपने फेस टू फेस वाले बच्चों को बताई है, और 1 फरवरी से जब आप टैक्स शुरू करेंगे तो सर आप उसे 10 से 15 दिन लगाएंगे, पूरे पूरे एकदम घोटा घोट भाई साहब, 10 से 15 दिन, राइट। अब ये 10 से 15 दिन जो आप टैक्स में लगा रहे हैं, इसके बारे में आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। उस 10 से 15 दिन में सबसे पहले आप जीएसटी उठाइए, जीएसटी 40 नंबर का है, न्यू कोर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है जीएसटी को लेकर, कोई घबराएगा नहीं, आसान क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे जीएसटी में सर, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा लगता है सर 25 नंबर के आसपास की थ्योरी, 20 से 25 नंबर के आसपास की, और रिमेनिंग के आपके जो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सर वैल्यूएशन के चैप्टर से, आईटीसी के चैप्टर से, ये दो बेसिक रहेंगे, और एक सर पेमेंट ऑफ जीएसटी के चैप्टर से, पेमेंट और बेसिक जो भी बोल लीजिए, राइट। बाकी सर वो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना, इन सबको मैं न्यूमेरिकल नहीं मानता सर, राइट। तो प्लीज़ ये आपका सबसे पहले आप जीएसटी उठा लेंगे, जीएसटी को सर आप लोग कम से कम देंगे 5 से 6 दिन, और जो रिमेनिंग डेज होंगे सर वो आप देंगे किसको, अपने इनकम टैक्स को, जो कि बहुत स्कोरिंग है इस बार इनकम टैक्स में सर, आई से बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो आप टैक्स में सर ये टारगेट लेके चलिए, और जीएसटी में टारगेट लेके चलिए, एनीथिंग अबव 30 इज अमेजिंग, 35 से ऊपर निकल गए तो बेटा कभी कभी तो अपन को लगता है अपन ही भगवान है, राइट। तो 30 to 35 के आसपास सर आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे जीएसटी के अंदर। अब सर इससे पता होगा क्या, अब आपके इनकम टैक्स में मान लेता हूँ 60 में से 30 भी आ रहे हैं तो भी सर आपका टैक्स तो एग्जेम्प्ट है पक्की बात, और अगर सर आप थोड़ी सी मेहनत करके इसमें 40 तक पहुँचा देते हैं तो 40 + 30 इज इक्वल टू व्हाट, 70 आपके मार्क्स बन सकते हैं, राइट गाइज। तो आपने ये देखना है कि भाई 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में वैलेंटाइन डे के बिना छुट्टी लिए आप लोग कंप्लीट कर दें अपना टैक्सेशन, राइट। अब यहाँ पे गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जैसे ही आप ये पढ़ रहे होंगे साथ साथ मैंने भी अपने फेस टू फेस बैच में अनाउंस कर दिया कि आप ऐसे कंप्लीट कीजिए, हमारे टैक्स का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन के लिए मैंने उनको यही गाइड किया है। यहाँ पे सर आप हमारी टेस्ट सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको सर हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, साथ साथ में सर MCQs मिलेंगे, और साथ ही साथ में आपको हर टेस्ट की इवैल्यूएशन वीडियो मिलेगी, इंडिविजुअल इवैल्यूएशन नहीं होगा बट इवैल्यूएशन वीडियो मिलेगी, ये सब सर आप लोग देख सकते हैं हमारे EDU 91 कोर्स पे जाके। बाय चांस आपने टैक्स की कोर्सेज अभी तक कंप्लीट नहीं किए भाई तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आप, बट फिर भी टैक्स की वीडियो सर इनकम टैक्स की कंप्लीटली अवेलेबल है EDU 91 पे, आप जाके देख सकते हैं, और जीएसटी की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी आने वाले 10 से 15 दिन में। अभी लगभग सारे चैप्टर्स जो हैं डल चुके हैं, सिर्फ एक आईटीसी का चैप्टर मोटा मोटा बचा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लीजिए सर अब आप ये देखिए कि सर अभी हम लोग बैठे हैं 27 दिसंबर 28 दिसंबर के आसपास, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और अब यहाँ पे आपने 15 फरवरी तक अपने 3 सब्जेक्ट जो हैं खत्म कर दिए, कत्लेआम मचा दिया है, कत्लेआम 15 फरवरी तक। इन द मीन वाइल यानी कि सर पूरी जनवरी और 15 फरवरी तक आप लोग सर अकाउंट्स कॉस्ट और टैक्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। अब आप सर 10 से 15 दिन लगाइए, आपने लॉ की कोचिंग ली है ओके, नहीं ली है ओके, इस 10 से 15 दिन के अंदर जो भी सर फरवरी में हमारे पास बचे हैं या एक दो दिन और मार्च के इंक्लूड करके आपने क्या कंप्लीट करना है, लॉ ओके। ये देखिए सर जनवरी से फरवरी में आपने सारे सब्जेक्ट्स एक एक बार खुद से कंप्लीट कर लिए हैं ओवर एंड अबव कोचिंग, मजा आ गया भाई साहब बिल्कुल जिंदगी का, ग्रुप वन वालों की बात चल रही है अभी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सर नेक्स्ट मुद्दा जो उठाना है वो उठाना है भाई कौन सा, वो आप उठाएंगे सर अपना रिविजन का मुद्दा, राइट। रिवीजन के मुद्दे में सर हम लोग क्या करेंगे, बस बेटा 1 मार्च से 2 मार्च से हम लोग प्लानिंग करना शुरू करेंगे, हर सब्जेक्ट को पहली पहली रिवीजन 6-6 दिन में देने की कोशिश करेंगे, यानी कि लगभग आप पूरा मार्च जो है 6-6 डेज करके पूरे मार्च में सर अपना एक ग्रुप एक बार और रिवाइज कर लेंगे, 2 रिवीजन हो चुकी है। अब आ गए सर अपने पास अप्रैल, अप्रैल में गाइज हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल में सर हम लोग 3-3 दिन की रिवीजन देने की कोशिश करेंगे, और 3-3 दिन की अगर आप रिवीजन देते हैं 3 × 4 = 12, और 12 + 12 = 24, फिर से सर पूरे अप्रैल आपने 2 रिवीजन निकाल ली, यानी कि अभी तक आप सर अप्रैल में 4 रिवीजन जो है कर, मतलब अप्रैल को मिला के 4 रिवीजन्स कर चुके हैं, एक आपने जनवरी फरवरी में करी, फिर आपने सर 1 मार्च में करी, 2 आपने अप्रैल में करी। अब बस सर अगर मई में एग्जाम्स आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आपके मई में एग्जाम्स आ गए हैं तो एक एक बार सर हम लोग रिवीजन करेंगे, और सर टोटल हमारी 5 रिवीजन्स जो है कंप्लीट हो जाएंगी ग्रुप वन की, बोलो जय माता दी, राइट। लीजिए सर तो इस तरीके से आपके एग्जाम ओवर हो जाएंगे, बाय चांस भगवान की दुआ कृपा रही मित्रों,
मित्रों, अगर इलेक्शन हो गया तो आपके एग्जाम शिफ्ट भी हो सकते हैं। बताइए कब? जून में। अगर जून में है तो भाई हम तो फिर से जून में आग, मई में आग लगा देंगे। मई में सर हम फिर से तीन तीन दिन वाली दो दो रिवीजन दे डालेंगे भाई, और सब्जेक्ट को यहाँ घोटा मार लेंगे भाई बिल्कुल। यानी कि एग्जाम से पहले आपकी 6 रिवीजन पक्की, एग्जाम के टाइम पे एक और, यानी कि टोटल होगी 7 रिवीजन्स। ओके, सो ये ग्रुप वन का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मैंने आपको बना के दिया। आई होप आपको बातें समझ आई। रिवीजन सर 3 दिन वाली 6 दिन वाली कैसे करनी है, इसके बाद में इसके लिए मैं एक बार दोबारा से बातचीत करूंगा आपसे। अब कोई जैसे मार्च आ जाएगा तब के आसपास वीडियो बनाएंगे। लीजिए सर, वीडियो का सेकंड फेज अब मैं शुरू कर रहा हूँ। सेकंड फेज अब मैं शुरू कर रहा हूँ, टाइम स्टैम्प से देख लीजिएगा। वो बच्चे जो फ्रेश बोध ग्रुप का प्लान कर रहे हैं, फ्रेश बोध ग्रुप, हाँ जी फ्रेश बोध ग्रुप का जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, अब मैं उनसे थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। लीजिए सर सुनिए, मित्रों आपने क्या करना है, आपने सर मेहनत डबल करनी है क्योंकि पेपर भी डबल हो गए हैं। और बाय चांस यहाँ पे इस फ्रेश बोध ग्रुप वाले मुद्दे पे मैं आऊँ तो मैं सर उससे पहले आपके साथ एक डिस्कशन कर दूँ, बोध ग्रुप और सिंगल ग्रुप। बोध ग्रुप और सिंगल ग्रुप क्या करें हम मई में? देखो भाई अपनी सिचुएशन देखो, आपकी कोचिंग्स कितनी कंप्लीट हो चुकी है, सेल्फ स्टडी जो जो सब्जेक्ट की करनी थी वो कितनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको बोध ग्रुप देने सर इस समय तक आपके कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए कोचिंग में। कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट सर कंप्लीट हो जाने चाहिए, जिसमें ग्रुप वन के तो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, और सर ग्रुप टू का भी अगर आपने आधे आधे सब्जेक्ट भी कर लिए, फॉर एग्जांपल एफएमई को आधा पढ़ लिया है, ऑडिटिंग आधा पढ़ लिया है, तो इस तरह से सर चीज़ें आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर आप बोथ ग्रुप्स प्लान कर रहे हो तो। कोई सब्जेक्ट अभी आप छोड़ सकते हो अगर प्रिपरेशन के लिए, तो वो हो सकता है सर आपका बोध ग्रुप वाले ITSM, या फिर आपका ITSM आप बाद में कर सकते हो, या फिर सर आप अपना ग्रुप वन का लॉ बाद में कर सकते हो। इन दोनों को छोड़ के आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट जो हैं शुरू होकर ख़त्म हो जाने चाहिए, खासकर ग्रुप वन में अकाउंट्स कॉस्ट और टैक्सेशन तो सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो जाना चाहिए। ओके अच्छा, अब फिर से आते हैं इस डिसीजन पे कि बोध ग्रुप और सिंगल ग्रुप। तो इस वीडियो में हम अभी जो इस पार्ट में हम बात करें बोध ग्रुप और सिंगल ग्रुप, अगर भाई साहब 1% भी डाउट है ना आपको, 1% भी, आप चुपचाप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ चुपचाप। अब आप इसे डीमोटिवेशन समझो, आप सर इसे कुछ और समझो, भाई ये मेरी अप्रोच ऐसी है। अगर आपको 1% भी डाउट है ना तो आप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ, उसके मैं आपको कारण बता रहा हूँ क्यों। अभी आप क्या करोगे सर, डाउट में रहोगे राइट। जो बच्चे कॉन्फिडेंट है, जिन बच्चों ने शुरू से प्लानिंग करी है, जिन बच्चों ने सर शुरू से पढ़ाई करी है, जिन बच्चों को सर पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि भाई मैं पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका हूँ, बोध ग्रुप के प्लान करा था मैंने, या फिर लाइफ में कभी आपने कोई अच्छी चीज़ प्लान करी थी आपने उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया, वो आपका नेचर है आपको पता होगा, या फिर सर आप लायक बच्चे थोड़े से कि भाई प्लानिंग तो बहुत सारी करता हूँ लेकिन एग्जीक्यूशन कम कर पाता हूँ, तो आप डिसाइड कीजिए आप किस तरह के बच्चे हैं। अगर सर आप एग्जीक्यूशन कम कर पाते हैं, आपको डाउट है, तो प्लीज़ आप सिंगल ग्रुप पे आ जाइए, क्योंकि डाउट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। आज 1% है सर, एक समय आएगा जब आप 50-50 पोजिशन में होंगे, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक ग्रुप दूँ या बोध ग्रुप दूँ, और उस समय आपके हालात खराब हो चुके होंगे। क्यों खराब हो चुके होंगे? इसलिए खराब हो चुके होंगे मित्रों क्योंकि उस समय सर आपने ग्रुप वन की कोचिंग कंप्लीट कर ली होगी, ग्रुप टू की कोचिंग या तो कंप्लीट कर ली होगी या तो चल रही होगी, और सर आप ग्रुप टू की कोचिंग को आप मान के चलो ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को 100 घंटे देते हो, तो आप 400 घंटे ग्रुप टू की कोचिंग्स को दे चुके होंगे उस समय तक। वाओ, यानी कि आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया सर, क्योंकि आप डिसीजन में डिसीजन नहीं ले पा रहे 50% डाउट में, और नाउ 50% डाउट मतलब इट इज 100% क्लियर कि आप सिर्फ ग्रुप वन देने वाले हो। सो आज बैठ के अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके प्लीज डिसाइड कर लीजिए कि आप एक ग्रुप देंगे या बोध ग्रुप देंगे, और उसी हिसाब से तैयारी शुरू करिएगा। बांध लीजिए इस बात को अपने दिमाग में, आज बैठ के एनालाइज कर लीजिए कि आप एक ग्रुप देंगे या बोध ग्रुप देंगे, और उसके बाद ही सर अपनी तैयारी को प्रॉपर शुरू कीजिएगा राइट। आइए सर अब आते हैं सर फ्रेश बोध ग्रुप्स वालों पे, उस वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया कि बोध ग्रुप और सिंगल ग्रुप। फ्रेश बोध ग्रुप वालों पे आते हैं सर और देखने की कोशिश करते हैं फ्रेश बोध ग्रुप वाले क्या करेंगे। सर बहुत सिंपल है भाई, आप लोगों ने जनवरी फरवरी तक अपनी सारी कोचिंग्स कंप्लीट कर लेनी है ग्रुप वन ग्रुप टू की, बहुत ही अच्छी बात है सर अगर हो चुकी है तो, नहीं तो भाई नहीं हुई तो पेन ड्राइव क्लासेस लो, टका टक टका टक टका टक खेल जाओ बिल्कुल, क्योंकि इस समय अगर आप कोई कोचिंग शुरू करते हैं फेस टू फेस में तो कम से कम सर वो
मार्च तक जाने के चांसेस हो जाएंगे। मैं नहीं चाहूँगा सर इस समय आपकी कोचिंग शुरू करें ग्रुप टू की और मार्च तक जाएं। आप जनवरी फरवरी तक अपना सर टाइम लीजिए कोचिंग का, और इसी बीच में, इसी जनवरी फरवरी के बीच में आप एक काम करिए, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी कोचिंग इस समय ज़्यादा चल रही होंगी ग्रुप टू के, सर हो सकता है 2 से 3 सब्जेक्ट की कोचिंग चल रही हो, तो आपको मैं ज़्यादा बर्डन ना देते हुए ये बोलता हूँ कि सर जनवरी फरवरी में बैठ के अकाउंट्स और कॉस्टिंग तो कम से कम आप एक बार कंप्लीट कर ही लो अपना ग्रुप 1 वाला, अपना ग्रुप 1 का अकाउंट्स और कॉस्टिंग रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक महीना दे रहा हूँ एक एक सब्जेक्ट के लिए अभी, और साथ में अपनी कोचिंग चलाते रहें। जैसे ही 1 मार्च आए, आप सर पता है क्या आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपकी पोजीशन होनी चाहिए सर मेरा अकाउंट्स कंप्लीट है, मेरा कॉस्टिंग कंप्लीट है, और मेरे बाकी जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनकी मेरी कोचिंग कंप्लीट है, राइट। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सर 5 5 दिन देने हैं, 5 5 दिन देने हैं अपने सारे सब्जेक्ट्स को उठा उठा के, बस 5 से 6 दिन मैक्सिमम। इससे ज़्यादा दोगे भाई फंस जाओगे, 5 से 6 दिन दोगे, 6 × 8 अगर आप कर लें तो सर आपके पास आंसर आ जाता है कितना, जल्दी बता दीजिए, 48 के आसपास हो जाता है सर, है ना, कम ऑन गाइज, 48 या 42, 48 सर, राइट। तो 48 डेज में आपको सर अपने 8ों सब्जेक्ट की रिवीजन जो है कंप्लीट करके रखनी है, यानी कि आपका पूरा मार्च चला गया, 31 दिन उसमें चले गए आपके, और आपका सर 17 अप्रैल के आसपास जो है, 17 18 अप्रैल के आसपास आपका एक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो चुका है, बल्कि मैं बोलूँगा कि सर अकाउंट्स और कॉस्टिंग के 2 हो चुके हैं और आपके बाकी सब्जेक्ट्स के सर एक एक रिवीजन हो चुके हैं। अब 17 अप्रैल ऑनवर्ड्स आप लोगों ने सर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है, और सर 2 2 दिन के अंदर अपने सब्जेक्ट्स जो है वो रिवाइज करने शुरू कर देने हैं, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली जब तक आप एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे तब तक सर आपकी दूसरी रिवीजन बहुत सॉलिड वाली कंप्लीट हो चुकी होगी, और एग्ज़ाम में एक और रिवीजन करेंगे, यानी कि सर टोटल हम लोग 3 रिवीजन कर सकते हैं। आप इस प्लान में सर कुछ इफ्स एंड बट्स लगा के, कुछ छोटी मोटी चीज़ें करके अपने हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हैं। 3 से 4 पहुंचा पाए तो बहुत अच्छी बात है, 3 से 2 पहुंचाओगे भाई तो बहुत गलत बात है। कम से कम मिनिमम सर 3 रिवीजन ग्रुप, बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है, ज़्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन सर समय के अभाव के कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सर अगर एग्ज़ाम हो गए जून में, क्योंकि सर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है और ये कॉन्टिंजेंट है भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि सर जून में ही एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अगर सर एग्ज़ाम्स हो गए जून में तो आपने क्या करने का है, उस केस में सर आप लोग एक सिंपल सा काम करेंगे कि सर जून में आप अपनी कम से कम नहीं तो 2 2 3 3 दिन की रिवीजन अब लगाना शुरू करेंगे, और सर उसको कम से कम 2 बार और रिवाइज़ कर लेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, जून में एग्ज़ाम होने का फ़ायदा उठाएंगे, राइट गाइज। प्रिपरेशन कैसे करनी है, जैसे मैंने सर यहाँ पर डिस्कस करी, इसी तरीके से सर आप लोग, जैसे मैंने ग्रुप 1 वालों के लिए डिस्कस करी, वैसे ही सर आप लोग प्रिपरेशन करें, कोई घबराने की दूर दूर तक बात नहीं है, राइट। सो हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, नंबर 1 सर फ्रेश ग्रुप 1, फ्रेश बोथ ग्रुप, राइट। अब मैं ऐसे बच्चों से बात करता हूं जिन्होंने नवंबर 18 में ग्रुप 1 दिया है, उन्हें पास होने के पूरे हाई चांसेस लगते हैं और अब वो ग्रुप 2 की तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत बढ़िया सर, आप लोगों ने क्या करना है, सेम स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करें, जनवरी तक अपनी कोचिंग्स को निपटा लीजिए, मैक्सिमम मिड फेब तक, मैक्सिमम 15 फेब तक ग्रुप 2 की कोचिंग जो है आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऑल दी कोचिंग, ओके। और साथ साथ में आपने क्या करना है सर, अभी जब आपको समय मिलता है, जब आपकी कोचिंग भी चल रही है, मान लेते हैं सर अभी आपकी अकाउंट्स की कोचिंग चल रही है, FMECO की कोचिंग चल रही है, आपकी ऑडिट की कोचिंग चल रही है, आपके सर हो सकता है EIS और SM की भी कोचिंग चल रही हो, राइट, 4 कोचिंग हो सकता है आपकी चल रही हो, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपने कोचिंग के साथ सिर्फ एक काम करना है, जो कोचिंग में हो रहा है आपकी, जो आपकी क्लासेस में हो रहा है उसे आप रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें। कोई वीकेंड मिलता है, कोई सर खाली दिन मिलता है, सैटरडे संडे मिलते हैं, कुछ भी ऐसा मिलता है, तो उसमें सर उठा के आपने अकाउंट्स का एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर डाला, राइट। 15 फरवरी के बाद हम लोग सर हो जाएंगे अपने एकदम फुल ऑन मोड में, और उस मोड में सर हम लोग क्या करेंगे, 15 फरवरी से हम लोग सर 6 6 दिन के कुछ रिविजन लगाना शुरू करेंगे, 6 × 4 = 24, 24 दिन के अंदर सर हम अपना पूरा ग्रुप 2 जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो हमें लगभग मैं मानता हूँ सर आपका 10 मार्च के आसपास तक चला जाएगा, राइट। 10 मार्च तक ये चला गया, उसके बाद सर हम लोग अब 3 3 दिन वाले रिवीजन लगा सकते हैं, और 3 × 4 = 12, और सर ये 12 जब मैं करता हूँ भाई तो हमारे पास मार्च में लगभग लगभग 22 तारीख तक हम लोग पहुँच गए हैं, और अब आपके पास जितना भी समय बचा है 23 मार्च से लेके मान लेते हैं आपके मई तक अगर मान लूँ भाई मैं, तो आपके पास 1 महीना कुछ बचा है, उसमें वही 3 3 दिन वाले रिविजन्स करते जाएँ, एक एक सब्जेक्ट को सॉलिड करते जाएँ सर। इस तरह से सर आपकी मल्टीपल रिवीजन हो सकती है। इस मंथ में भी अगर मैं बोलूँ सर आपकी 2 रिवीजन लग जाएंगी, यहाँ आपकी 1 रिवीजन पहले लग चुकी है भाई, उससे पहले आपकी 1 रिवीजन पहले लग चुकी है, यानी कि वही 4 रिवीजन सर आप लोग एग्जाम से पहले करके जा सकते हैं, और 5वीं एग्जाम के समय पे, राइट।
अब आप बोलेंगे सर ये तो ना बड़ा ही इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो ऐसा नहीं हो सकता, इसका 80% हो सकता है, इसका 90% हो सकता है, हो सकता है भाई, और लोग करेंगे, लोग पास होंगे, लोग रैंक लाएंगे, लोग सर अच्छे नंबर स्कोर करेंगे, हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सर हमारी तीसरी कैटेगरी खत्म हो गई, जिन लोगों ने नवंबर 18 में ग्रुप 1 दिया था और सर अब वो मई 19 में ग्रुप 2 की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नवंबर 18 निकल जाएगा। अब जिन लोगों ने नवंबर 18 में एग्जाम दिया था ग्रुप 1 का और उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है, उनकी उम्मीद उल्टी है, उनकी उम्मीद ऐसी है कि भाई मैं तो फेल होऊंगा, पक्की बात लिखवा लो मुझसे, हाँ जी मैं तो फेल होने वाला हूँ, लिखवा लो मुझसे, मुझे कोई पास नहीं कर सकता, उन बच्चों से सर मैं चर्चा करता हूँ। देखो मित्रों बात ऐसी है, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना है कि आपके नवंबर 18 में ग्रुप 1 के एग्जाम्स हुए और आपको सर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है और ग्रुप 2 के एग्जाम्स हुए आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भाई आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप तो सर चैंपियन हो, आप आज से पढ़ने बैठ जाओ और सर हर सब्जेक्ट का टारगेट ले लो 6 से 8 दिन, क्यों? आपने पहले पढ़ाई कर रखी है। आपके साथ दिक्कत यही है सर आप रायता फैलाते हो, अगर अब भी सर आप अकाउंट्स को करने में 25 दिन लगा रहे हो तो लल्लू हो आप, 6 से 8 दिन मैक्सिमम 10 दिन, अगर मैं आज से काउंट कर लूँ तो भाई पूरा 31 जनवरी तक मुझे आप प्रॉमिस कर दो कि 31 जनवरी तक आप जिस ग्रुप के पेपर देके आए हो जिसमें आपको फेलियर के चांस लग रहे हैं वो ग्रुप आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, और वो ग्रुप अगर आपका कंप्लीट नहीं होता भाई हो तब तक तो बहुत ही बड़ी दिक्कत में आप, बहुत बड़ी दिक्कत में, उस ग्रुप को पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए, राइट। और उसके बाद कॉन्फिडेंस देखिएगा, आपका रिजल्ट भी लगभग 31 जनवरी के आसपास ही आएगा, 25 से 31 जनवरी के बीच में ऐसी उम्मीद रहती है, तब तक अगर आपका सर ग्रुप 1 कंप्लीट हो गया है, वो ग्रुप जिसमें आप पेपर दे के आए हैं लेकिन सर आपको फेल होने के चांसेस लग रहे हैं, अगर आपका वो ग्रुप कंप्लीट हो गया तब तक, तो भाई साहब आपकी तो चांदी हो गई। क्यों चांदी हो गई? अब सर आप लोगों का रिजल्ट आया, पॉजिटिव आया, वेरी गुड, नेगेटिव आया, कोई बात नहीं सर, ग्रुप 1 भी तैयार है और ग्रुप 2 भी हम तैयार कर सकते हैं, राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर सर आप यहाँ तक ग्रुप 1 तैयार नहीं कर पा रहे, आपको बताए भाई मेरा ग्रुप 1 होना ही नहीं है यहाँ तक, मैं 31 जनवरी तक नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं निकम्मा हूँ, मैं नलायक हूँ, मैं लल्लू हूँ, तो भाई क्यों कर रहे हो ऐसा? फिर तो आपको सर दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप ग्रुप 1 की पढ़ाई छोड़ के सिर्फ आज से ही ग्रुप 2 की पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, ग्रुप 1 नवंबर में देना। लेकिन एक समझदार बच्चा क्या करेगा? एक समझदार बच्चा सर सिर्फ एक काम करेगा, वो भाई अपने उस ग्रुप को जिसमें सर उसे बहुत डर लग रहा है उसकी तैयारी को वो शुरू कर देगा, और उसकी तैयारी करते करते उसे बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने की कोशिश करेगा, राइट। तो इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना है कि भाई मैंने अपना वो ग्रुप जिसमें मैंने अभी पेपर दिए हैं और जिसमें फेल होने के चांसेस लग रहे हैं, मैं उस ग्रुप को कंप्लीट कर लूँ, हाँ जी मैं उस ग्रुप को कंप्लीट कर लूँ अपना आईपीसीसी का रिजल्ट आने से पहले। और अभी आपको ताज़ा ताज़ा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं, यानी कि अभी आपको ताज़ा ताज़ा चीज़ें याद हैं, तो भाई उसको जल्दी जल्दी आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए, राइट गाइज, आई होप आपको ये बात समझ आई। तो अगर सर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं, प्लीज़ जल्दी से अपना सर ग्रुप कंप्लीट करें और अपनी सर प्रिपरेशन ऐसे रखें कि भाई बोध ग्रुप के लिए भी मैं तैयार कर पाऊँ। कब तैयार कर पाऊँ? मई 19 के लिए। और बाई चांस आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरी एक सिचुएशन मानिएगा, अगर आपको लग रहा है कि सर मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगा 31 जनवरी तक, तो मैं आपको बोलूँगा भाई रुक जाओ, आप फिर एक ही ग्रुप पर कॉन्सेंट्रेट करो, या जिसमें आप फेल हो गए या आप जो आपने भी देना है, हाँ जी या जिसमें आप फेल हो गए जो आपने भी देना है, अगर सर आप जिसमें फेल होने वाले हो जो आपको पता लग रहा है पहले से ही भाई, तो प्लीज़ आप उसी ग्रुप को पकड़ के रखें और वो उसी के एग्जाम दें मई 19 में, या उसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए और सर उस ग्रुप पे ध्यान दें जो सर आपने अभी शुरू कर रखा है, जिसकी कोचिंग आपने शुरू कर रखी है उसी को दें मई 19 में। ये जो बोध ग्रुप वाला चक्कर है ना बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए जो समझदार है, जो पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिन्हें आइडिया है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं उसके हिसाब से काम कर सकता हूँ। लेकिन वो बच्चे सर जो सिर्फ इसे स्वैग दिखाने के लिए कर देते ना कि मैं बोध ग्रुप दूंगा, रैंक लेके आऊँगा, वो बोध ग्रुप दे रही है मैं भी बोध ग्रुप दूंगा, वो बोध ग्रुप दे रहा है मैं भी बोध ग्रुप दूंगा, मेरे दोस्त ने बोला, फलाने ने बोला, सेट ऑफ मिल जाता है, ये बोल जाता है, इससे इतनी ज़्यादा दिक्कत होगी ना आपको, एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया आपके साथ, विशियस ट्रैप के अंदर फंस के रह जाओगे, बोध ग्रुप के चक्कर में एक भी ग्रुप नहीं निकलेगा। तो इसलिए भाई बहुत आसानी से सोच समझ के बैठ के डिसाइड कीजिए कि आप किस तरह के बच्चे हैं, आपको शू कहाँ पिंच करता है ये देखने की कोशिश कीजिए, राइट। लीजिए सर, आई होप मैंने सर आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो इसमें डिस्कस कर दिए, और आपसे मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सर साथ हमारे जुड़े रहें हमारी ऐप EDU91 पे, हमारी वेबसाइट CAconnect.in पे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, राइट गाइज। और किसी तरह की सर सिचुएशन मुझे अगर लगेगी तो मैं ज़रूर उस पर भी आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए आप यही प्लान्स फॉलो करिए, ओके। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद, और हाँ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। Take care.